नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, UPTET अक्टूबर में होने की संभावना जताई जा रही है। हम बात कर रहे हैं UPTET 2019 की। तो दोस्तों, एक संभावना बनी है कि अक्टूबर में, मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि अक्टूबर या नवंबर में जो है UPTET 2019 की परीक्षा होगी और उसके जस्ट बाद में भी वैकेंसी आ सकती हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो संभावना व्यक्त की जा रही है वो यही की जा रही है कि उत्तर प्रदेश जो TET परीक्षा 2019 में होनी है वो नवंबर में परीक्षा होनी है और अक्टूबर में उसके आवेदन आ जाएंगे। तो दोस्तों, प्रिंट मीडिया ने क्या छापा है आइए देख लेते हैं। UPTET 2019 के अक्टूबर में होने की संभावना है, इसके लिए शासन स्तर पर वार्ता चल रही है और दूसरी ओर जिलों में परीक्षा केंद्र सहित अन्य के लिए भी विवरण सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में मंगाए जाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि साफ सुथरे और अच्छे विद्यालयों को ही TET परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा जिससे कि परीक्षा के दौरान कोई गड़बड़ी ना होने पाए। TET परीक्षा में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना बनी है। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन वाली वेबसाइट को पिछली बार से अधिक बेहतर बनाया जाएगा जिससे कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान वेबसाइट पर बार बार स्लो ना होने पाए। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रयागराज अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि अभी DLED 2019 की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। तो दोस्तों, जो DLED कर रहे हैं, BTC कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, उनका लास्ट ईयर है या फिर वो परीक्षा देना चाहते हैं, तो 2019 की जो परीक्षा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो लोग 2018 में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं उनके लिए एक चांस बनना है कि TET 2019 में वो उत्तीर्ण हो और जो दिसंबर या जनवरी में जो भी वैकेंसी आए उनके लिए वो पूरी तरीके से अभी से तैयारी में जुट जाएं। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा संभवतः नवंबर में ही होगी और 15 नवंबर के आसपास होने की इसकी संभावना बन रही है। अभी आधिकारिक रूप से किसी भी तारीख की पुष्टि नहीं की गई है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 2019 में जो है अभी से शासन ने इसकी तैयारी करना शुरू कर दी है। तो आप लोग भी जो है तैयारी करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं और TET 2019 जो कि नवंबर में होने की उम्मीद है उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और यदि आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से TET 2019 में जो उत्तर प्रदेश की होने जा रही है उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप UPTET 2019 क्रॉस कर जाएंगे। ये न्यूज़ खासतौर से उन अभ्यर्थियों के लिए है जो BEd कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश पात्रता किसी कारणवश फेल हो गए हैं, तो उनको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और साथ ही साथ जो DLED के स्टूडेंट हैं जो अभी कर रहे हैं, जिनका लास्ट ईयर है, वो लोग भी निश्चित रूप से अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि शासन स्तर पे अभी से तैयारियां होने लगी हैं, अभी से जो है परीक्षा केंद्रों को देखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये परीक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस परीक्षा के बाद जो भी वैकेंसी आएंगी, जो 2019 में TET पास कर लेगा वो अगली परीक्षा दे पाएगा, यानी कि सुपरटेट दे पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे और आपको उचित जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा DLED अभ्यर्थियों के बीच, BTC अभ्यर्थियों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और आने वाली UPTET 2019 की परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि शासन स्तर पर जल्द ही परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आप अभी से जो है TET 2019 के लिए तैयारी करने में जुट जाएँ।